हाय रगत कर मेरी हंसी। अब सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से गति करके आए और वहां लहर तारा नामक कमल के फूल पर काशी शहर में फूल पर प्रकट हो गए। पुणात्मा ये नीरुनिमा कौन थे? नीरुनिमा इसी जन्म में ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नीरु का नाम था, सरस्वती उस नीमा का नाम था। गौरी शंकर और सरस्वती पति पत्नी थे, ब्राह्मण थे, शिवजी के पुजारी थे, बड़े नेक आत्मा थे। अन्य ब्राह्मण काशी के बहुत स्वार्थी थे। रामानंद जी ने इसी कारण से काशी में आकर के अपने हिसाब से बहुत ठीक सेटिंग की थी, लेकिन फिर भी बहुत से ब्राह्मण स्वार्थवश अपकथाएं किया करते थे, लोगों से पैसे हड़पते थे, उनको इधर उधर की जंतर मंतर बताकर बहुत सा पैसा ऐंठते थे। लेकिन गौरी शंकर एक बहुत नेक आत्मा था, वो शिव जी के पुजारी थे, कथा किया करते थे, निस्वार्थ भाव से कथा करते थे। कथा करने का जो भी उसको पूजा उपलब्ध होती थी उसको अपने खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का वो भंडारा करते रहते थे। तो अन्य प्रजाजन काशी के प्रजाजनों में, श्रद्धालुओं में उनके प्रति घनी आस्था थी और अन्य ब्राह्मण इस बात से ईर्ष्या करते थे कि गौरी शंकर की बहुत ज़्यादा महिमा होती जा रही है। वो द्वेष रखते थे, कहते फिरते थे वो तो उसको कोई ज्ञान नहीं आता, वो तो बहुत झूठा है। तो इस बात का ज्ञान मुसलमानों के पीरों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को पता हो गया कि गौरी शंकर बहुत प्रचार करा हिंदू धर्म का और अन्य ब्राह्मण इससे खुश नहीं है, इसके साथी नहीं। उन्होंने बाई फोर्स जबरदस्ती गौरी शंकर के घर पर अपना पानी छिड़क दिया, जूठा गली में खड़ा होकर पिया और फिर उसको दूसरे लोटे में मिलाया और उनको सब जगह छिड़क दिया और गौरी शंकर सरस्वती दोनों के मुंह में भी डाल दिया। इस घटना को प्रत्यक्ष देख रहे थे आसपास के ब्राह्मण। उन स्वार्थी ब्राह्मणों ने शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसका भाईचारा बंद, इसे कोई बातें नहीं करेगा, इसका गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान बन गया। मुसलमानों ने उसका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार ये हिंदू से मुसलमान बन गए। अब इनके सामने समस्या आगी रोजी रोटी की। पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, शेष पैसे को भंडारा कर देते थे, संग्रह संतन नहीं करते थे। अच्छी नेक आत्मा थी, बहुत भली आत्मा थी। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि पैसा पास नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते। उन्होंने सोचा सिंपल सा काम है, जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया, चार खुट्टे गड्ढे और वो काम शुरू हो जाता था, कोई विशेष धन व्यय नहीं करना पड़ता था। इस तरह वो कपड़ा बुनने लग गया, जिस कारण से 10-15-20 वर्ष उसको ऐसा कार्य करते होंगे तो वो जुलाहा नाम पक गया उसका।
अब नीरू भले ही मुसलमान हो गए थे लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव जी की इच्छा नहीं गई थी, उनकी कसक न्यारी थी, उनके प्रति श्रद्धा जो की तो बनी हुई थी, पर वो गुप्त रूप से मन मन में उसको उनको बहुत याद करते थे। अब नीरू निमानी संतान थे, एक दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिले यानी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अभी आपने सुना कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने ऊपर धाम से और नवजात शिशु का रूप धारण करके काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर, खिले हुए कमल के फूल पर परमात्मा विराजमान हो गए। नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया था इन ब्राह्मणों ने। वो लहर तारा तालाब की कैसे रचना हुई, जैसे वर्षा के दिनों में गंगा दरिया बहुत ऊपर तक भर के चल पड़ती है और वहाँ एक घाट सा बना हुआ था, उस घाट के ऊपर से पानी लहरों का पानी उछल उछल कर बहकर नीचे आता था बाहर पटरी से, और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था उसमें भर जाता था, उसमें फुल हो जाता था, उसको इसलिए लहर तारा तालाब कहा करते थे, जो लहरों के द्वारा भर गया। तारा उस अक्षेत्र का स्थान था, लहरों से भरा हुआ होने के कारण लहर तारा कहलाता था। तो नीरू नीमा गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे क्योंकि उन पर प्रतिबंध लग गया था। अपने घर से उनकी झोंपड़ी से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था, वहाँ सुबह सुबह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, सैर सपट्टा भी कराते थे, स्नान भी करके आते थे। ब्राह्मण होने के नाते वो नान दोन की उनके अंदर विशेष व्यवस्था आस्था श्रद्धा बनी हुई थी। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह वो स्नान करने के लिए दोनों जा रहे थे, नीरू और नीमा। उनके संतान कोई नहीं थी, विवाह को भी लगभग 30-40 वर्ष हो गए थे, उनकी आयु 60 वर्ष के आसपास थी। अब हमारे समाज में इस काल ने एक विशेष एक प्रेरणा दे रखी होती है कि जिनके संतान ना हो उनको मनहूस मान्या करते थे। ये इन नकली गुरुओं की देन थी जो पीड़ित करना चाहते थे, और यु काल करवावे कि हुक एंड क्रुक ये बच्चे पैदा जरूर करें ताकि उसने खाने को मिले। तो इस काल प्रेरणा से कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर कह देता है, हे नीमा एक जातक तो चाहिए था भगवान ने देना, तेरा भी दुनिया में सिर हो जाता, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी मदद करेगा। अब ये इंजेक्शन लगा जाते हैं कोई ना कोई आके, फिर रात भर नींद नहीं आती उस प्राणी को। नीमा की यही दशा थी उस दिन। पहले दिन किसी से ये कथा सुनी, इस तरह का कोई इंजेक्शन ला गया उसके, बच्चा तो होना चाहिए था, भगवान ने देना चाहिए था। अब भगवान ने क्या करना चाहिए था, परमात्मा कि रजा में हमने राजी रहना चाहिए, परमात्मा को हम सलाह दें कि ऐसा होना चाहिए था, तो हम परमात्मा से इंटेलिजेंट हो गए, तो ये गलत है। फिर हम भक्त नहीं, हम तो भगवान बन गए, भगवान के भी मालिक बन गए, उसको सलाहकार बन गए। तो इसी प्रेरणा से दुखी सारी रात जागती रही, मरोड़े लेती, ऐसे करवट बदलती रही। सुबह घूमने जब वो चले स्नानार्थ, उस दिन बहुत बुरी तरह आंखों में आंसू भर के कहती है, ए भगवान शिव जी, क्या आपके दरबार में मुझ दासी के लिए
एक खिलौना नहीं आपके पास, आप तो समर्थ हैं, सर्वेश्वर हो, आप तो महेश्वर हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो, आप समर्थ हैं। आप मुझे भी एक खिलौना मिल जाता, मेरा भी दुनिया में साझा हो जाता। और जनता की कटी दली बातें मुझे सुननी पड़ती हैं भगवान, ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता बच्चा तो परमात्मा भगवान शिव जी अवश्य देते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं। और ऐसे रो रो कर अपनी आँखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं, आँखों से दिखना बंद हो गया तो दूना दुख हो जाएगा, तो रोया मत कर, संतोष कर ले। अब तो 40 वर्ष हो गए विवाह ने, अब कौन संतान कहाँ से होगी, आप कुछ विचार करो, मत रो। ऐसे उस अपनी पत्नी की आँखों को अपने ही कपड़े से पोंछता हुआ और कह रहा है, आप भगवान पर विश्वास रखो, जो उन्होंने कर दिया सो ठीक है, आँखें अब आँखें लाल होगी तेरी। बहुत प्यार से सांत्वना देता हुआ और पहुंच गए लहर तारा तालाब पर। नीमा ने पहले स्नान किया, वो बाहर आ गई, कपड़े चेंज करने लगी। नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश करता है लहर तारा तालाब में। नीमा अपने कपड़े चेंज करके, कपड़े बदल कर, और जिस कपड़े को बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः जब गई किनारे पर, तब तक सूर्य का कुछ रोशनी, सूर्य की कुछ रोशनी, कुछ उदय हो यानी कुछ रोशनी प्रकाश सा महसूस होने लगा था। अब सुबह की रोशनी ऐसी होती है, एक बार तो अंधेरा सा दिखेगा और थोड़ी सी देर में चांदना होता दिखा करे, जल्दी हो जाता है, ऐसा ही हुआ। अब वो स्नान करके कपड़ा धोने के लिए पुनः किनारे पर गई, उसका पति स्नान कर रहा था गहरे पानी में जाके, उसने क्या देखा नीमा ने, कि कमल के फूल पर कोई वस्तु ऐसे हल रही है जैसे सर्प हो, क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान थे और एक पैर के अंगूठे को ऐसे, एक पैर को ऐसे हिला रहे थे, ऐसे हिला रहे थे। उसने देखा कोई सर्प है, कहीं मेरे पति को डस ना ले, नीमा ने देखा। फिर नीमा ने ध्यान से देखा तो ये तो बालक है, ये तो बच्चा है कमल के फूल पर। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, देखियो कमल के फूल पर बच्चा है, कमल के फूल पर बच्चा है। अब नीरू ना रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि या तो मेंटल होगी बच्चों के वियोग में। कहने लगा, नीमा तू नहीं मानेगी, तू तो पागल हो जाएगी, तेरी तैसी दशा हो रही है, अब तुझे जल के अंदर कमल के फूलों पर भी बच्चे नजर आने लगे। तो उसने फिर कहा कि मैं सच कहती हूँ, देखो देखो देखो। अब उसने सोच देखा कि भी अब तो या कुछ और कसक से बोली, जिधर वो हाथ कर रही थी उस तरफ देखा, अब जिधर वो आहत कर रही थी नीमा, नीरू ने ध्यान से देखा सचमुच कमल के फूल पर बालक। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम जाकर फूल के, कमल के फूल समेत तोड़ लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया। अपुण्यात्माओं होय होय, जिस परमेश्वर के गुण चारों वेद गावें और ऋषि महर्षि जिसकी तरफ में भटक रहे हैं, उस परमेश्वर का नाम लेने से, उसकी याद चर्चा करने से हमारे रोंग रोम 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 कूप खड़े हो जाते हैं, एक विशेष कसक हो रही है। और उस परमात्मा को जिस बहन माई ने सीने से लगाया और फिर पुत्रवत प्यार किया, उसका मुंह चूमिया छाती के लावे, और सो सो शुक्र मना रही है नीमा अपने शिवजी भगवान की, अपने शिवजी भगवान की सो सो महिमा कर रही है, सो सो शुक्र मना रही है अपने शिव भगवान का,
अपुण्यात्माओं, आप विचार करना।